दोस्तों मैं हूं शुभम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों यदि आप एक जियो यूजर आप करते हैं माँ जियो ऐप का यूज़, तो यहाँ पर उसमें एक नया अपडेट आया दोस्तों, जिसके माध्यम से आप अपनी जो फोटोज़ वगैरह जो आपकी मीडिया है, फोटो वीडियो वगैरह, उनको आप स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। इसे एक नया अपडेट आया है दोस्तों, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसा है ये अपडेट, क्या है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं इसके वीडियो स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो माय जियो ऐप के अंदर जो एक अपडेट आया दोस्तों, इसमें आप यहाँ पे एक जो क्लाउड एक्सेस है उसको दोस्तों दिया गया है। मतलब आप अपनी जो मीडिया फाइल होती है, जैसे कि फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट होती है, कोई भी अदर मीडिया होता है, उसको दोस्तों आप क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं, जिसको दोस्तों यहाँ पर नाम दिया गया है जियो क्लाउड। दोस्तों इसका एक्सेस अब यहाँ पे कर दिया गया है दोस्तों माय जियो ऐप में, और यहाँ पर माय जियो ऐप का एक नया वर्जन यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, जिसके अंदर यदि आप देखेंगे वहाँ पे तो आपको यहाँ पर एक अलग से क्लाउड का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और आपके जो जो भी मीडिया फाइल हैं, जो भी आप यदि करना चाहते हैं उनको सेव, कि भाई ये हमारे फ़ोन से डिलीट हो जाए, तो फिर मतलब कुल मिला के वो चीज़ सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, तो आप उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों वैसे आपको पता ही होगा कि इस तरीके से काफ़ी सारे स्टोरेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, गूगल का है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हमारे पास क्लाउड स्टोरेज। और यहाँ पर दोस्तों अब आ गया है जियो का नया क्लाउड, जियो क्लाउड। वैसे दोस्तों यदि आप हैं एक जियो यूजर तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये जियो क्लाउड आया है, ये यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉयड्स के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लो किसी आपको दूसरे स्मार्टफोन में एक्सेस करना है, तो आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी कर सकते हैं, आप iOS डिवाइस पे भी कर सकते हैं। सारे दोस्तों का वेब वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप वेब के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। मतलब यदि आप किसी दूसरे डिवाइस में आपकी जो फोटोज वगैरह अपलोड हैं क्लाउड के ऊपर, उसको आप ईजिली दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके थ्रू जो है आपकी जो कॉलर ट्यून जो होती है, आपकी जो कॉलर ट्यून होती है, उसको आप दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, उसको आप सेट वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों इसकी मदद से। तो ये भी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज के मामले में, कि इसमें आपको क्लाउड पे जो स्टोरेज दिया गया है उसकी कितना स्टोरेज आपको दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से 5 GB का क्लाउड स्टोरेज दिया गया है, जहाँ पे आप अपनी सारी मीडिया फाइल हैं, जो फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट या कोई भी मीडिया फाइल हो, उसको आप इजीली अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही उसको कहीं भी दूसरे मोबाइल के थ्रू एक्सेस आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किन किन प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, ये iOS के लिए अवेलेबल है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये वेब वर्जन भी इसका अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप वेब के थ्रू भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं यदि एंड्रॉयड के बारे में दोस्तों, एंड्रॉयड में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके जो वर्जन है एंड्रॉयड के लिए है वह वर्जन 5.0.27, ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है, जो कि अपडेटेड वर्जन है, जिसमें आपको क्लाउड का जो सेक्शन वो देखने को मिलता है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं iOS डिवाइस की, तो इसको दोस्तों आप जो है उसका जो ऐप स्टोर है iOS का, एप्पल का, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो वर्जन है वह 5.0.11 दोस्तों। यदि आप हैं एंड्रॉयड यूजर, iOS यूजर, दोनों से में से कुछ ना कुछ यूजर तो आप होंगे ही, तो आप माय जियो ऐप को अपडेट करके और दोस्तों इससे जो क्लाउड का जो फीचर दिया गया है, जो सुविधा ये दी गई है, उसका यूज़ करके आप अपनी वीडियोस वगैरह को है क्लाउड पर स्टोर करके उनको सेफ रख सकते हैं। बस दोस्तों आप नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आप किस क्या आप किसी क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हैं तो किस क्लाउड स्टोरेज का आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये जो रिलायंस जियो की तरफ से स्टोरेज आया है जियो क्लाउड, ये आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन उसको दबा दीजिए, जिसमें कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।